नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात खबर के बैंकिंग कॉलिक्यूर कार्यक्रम में। आइए जानते हैं प्रभात खबर के सीनियर वीपी विजय बहादुर जी से कि इस कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था। अखबार के रूप में अमूमन हम सब ये मानते हैं कि अखबार का मूल धर्म खबर निकालना, खबर छापना या खबरों के संसार में रहना है, लेकिन खबरों के इतर भी अखबार की एक जिम्मेवारी है और समाज में कैसे सकारात्मक माहौल बने, पॉजिटिव माहौल बने, इसके लिए अखबारों की बहुत बड़ी भूमिका है। या अखबार क्या कहें, क्या किसी भी मीडिया हाउस के लिए बहुत बड़ी भूमिका है कि कैसे एक माहौल का निर्माण करें, क्योंकि जब खबरें छपती हैं, लोगों से चर्चा होता है, कार्यक्रम छोटा हो या बड़ा हो, न सिर्फ उस कार्यक्रम का एक असर है बल्कि कार्यक्रम के बाद उसके छपने का, लिखने पढ़ने का एक बहुत बड़ा असर है। और इसी चीज को लेकर प्रभात खबर लगातार कोई ना कोई कार्यक्रम सालों भर करता रहता है और इसी कड़ी में आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं बताना चाहूंगा कि प्रभात खबर जो हमारा टैगलाइन है, मुझे लगता है 2010 में हम लोगों ने अपना टैगलाइन बिहार में बदला। यहां हमारा जो टैगलाइन है वो है बिहार जागे देश आगे। तो एक जो तमाम तरह की बातें बिहार को लेकर होती रहती थी, उसमें एक 2010 में हमारे प्रबंधन ने, हमारे जो भी एडिटर, जो भी लोगों ने निर्णय लिया कि जब हम अच्छा बोलते हैं, अच्छा लिखते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, आपस में बेहतर संवाद करते हैं, तो एक बेहतर समाज का निर्माण होता है और उसका कहीं ना कहीं असर पड़ता है। तो इसलिए हम लोगों ने अपना टैगलाइन बनाया कि बिहार जागे देश आगे। और उसके बाद जो बिहार की पॉजिटिव चीजें थी, देखिए कोई भी, कोई ऐसी दुनिया नहीं है, कोई ऐसा समाज नहीं है जिसमें नकारात्मकता नहीं है। नकारात्मक चीजों पर चर्चा जरूर होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ सकारात्मक चीजों पर जब हम चर्चा करते हैं तो एक सकारात्मक माहौल का निर्माण करता है और बहुत सारी चीजें जो मुझे लगता है परसेप्शन पे ही आधारित होती है। तो इसी कड़ी में जैसा हम सब जानते हैं कि पूरे भारत के पॉपुलेशन का लगभग 10% के आसपास हिंदुस्तान में है, आप बिहार में है, पूरे हिंदुस्तान के पूरे जो पॉपुलेशन का है, तो बिहार के आगे बढ़े बिना पूरे भारत का आगे बढ़ना भी संभव नहीं है। और अर्थ हम सबके जीवन का एक हिस्सा है। अजय जी ने बताया कि भाई आप कितनी भी बातें कर ले, अर्थ वित्तीय चीजें जीवन का एक सत्य है, उसके बिना कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज, कोई भी इंस्टीट्यूशन एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है कि हमारे बैंकिंग के जो भी शीर्ष लोग हैं, हमारे मंत्री महोदय हैं और जो उद्योग जगत में हमारे स्टेक होल्डर्स है, व्यापार में स्टेक होल्डर्स है, उनके बीच प्रभात खबर एक सेतु का काम करे, इसलिए एक सीधा संवाद का कार्यक्रम ये आयोजित हुआ है ताकि आप उनकी बातें सुने और साथ में आपके मन में इनके कहने के बाद एक सत्र रखा गया है, आप अपनी बातें भी सीधे संवाद के माध्यम से इनसे रख सकते हैं। तो मैं पुनः प्रभात खबर परिवार की तरफ से इस कार्यक्रम में आने के लिए माननीय मंत्री का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जितने भी बैंक के हमारे वरीय लोग उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा और शहर के और राज्य के जो भी उद्योग और व्यापार के स्टेक होल्डर्स हैं उनका मैं पुनः प्रभात खबर परिवार की तरफ से स्वागत करना चाहूंगा। धन्यवाद।